हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रग अफेक्टिंग कैल्शियम बैलेंस। वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं। क्योंकि देखो, कैल्शियम आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ज़्यादा होना भी सही नहीं है, इसका कम होना भी सही नहीं है, एक इसका एडिक्वेट अमाउंट आपके प्लाज्मा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसे हमारी बॉडी देखते हैं कि कैल्शियम को बैलेंस करती है, और जब आप नहीं कर पाते हो तो ऑलरेडी इसके जो भी हमारे ये हॉर्मोन्स हैं इनके क्या बने हुए हैं, आपके कंजेनर्स बने हुए हैं, सिंथेटिक फॉर्म्स बनी हुई हैं जो हम बाहर से कंज्यूम कर लेते हैं। बट पहले हम ये देखेंगे कि एंडोजेनसली हमारी बॉडी में कैसे कैल्शियम बैलेंस होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने के लिए हमारे तीन हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरा है हमारा कैल्सिटोनिन, जो क्या है आपका, हमारी थायरॉइड ग्लैंड में प्रेजेंट जो पैराफॉलिकुलर सी सेल्स हैं वहां से ये रिलीज होता है। समझ में आ रहे? और थर्ड क्या है आपका, विटामिन डी। ये तीनों मिलके किस तरीके से कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैल्शियम बैलेंस। ठीक है, कैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम बैलेंस होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेजरली तीन वो ऑर्गन, जैसे तीन हमने बोला हार्मोन है जो कैल्शियम के बैलेंस करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि तीन वो ऑर्गन्स के कौन हैं जो वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। सपोज ये सेंटर में हमारा क्या है, प्लाज्मा पूल है। ठीक है, ये जो मैंने कंपार्टमेंट आपको शो किया हुआ है ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि इस प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्गन जो इस चीज के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, देखो वो है हमारी बोन्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी क्या है, बोन है, जिनके थ्रू क्या होगा आपका कैल्शियम बैलेंस होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन है वो है हमारी किडनी। ठीक, तो ये रही हमारी किडनी। अभी हम समझेंगे पूरा ये सारे ऑर्गन्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या रह गई, किडनी। और इसके अलावा हमारे पास तीसरा कौन सा पार्ट है, हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली ही ड्रॉ कर रही हूं। ये हमारी क्या है, सपोज इंटेस्टाइन है। तो ये तीन ऑर्गन हमारी बॉडी के ऐसे हैं जो हमारा क्या करेंगे, प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देखो बोन्स के अंदर क्या होता है, बोन में आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारा कैल्शियम कहाँ होता है, हमारी बोन्स में स्टोर होता है, सबको पता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जब भी हमें जरूरत होती है तो बोन अपने अंदर से क्या कर देती है, उस कैल्शियम को कहाँ रिलीज करती है, प्लाज्मा में रिलीज करती है। और जब भी हम कुछ खाते हैं जिसमें हमारा कैल्शियम प्रेजेंट है तो जब बोन को जरूरत है वो कैल्शियम बोन यूटिलाइज भी कर लेती है। तो ये आपकी क्या है, टू वे प्रोसेस है, यानी कि बोन अपने अंदर से कैल्शियम को रिलीज भी करती है जब हमें जरूरत होती है कि प्लाज्मा में कैल्शियम कम हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर बोन प्लाज्मा से कैल्शियम लेती भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, किडनी की मैं बात करूं तो किडनी में भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी चीज, ऑब्वियसली आपने कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम आपका कुछ अमाउंट किडनी में भी फिल्टर होके निकल जाएगा, है ना, किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट भी हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है, देखो प्लाज्मा में अगर आपने कुछ भी खाया, सपोज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं पहले, आपने कुछ भी लिया, कैल्शियम रिच डाइट ली, मिल्क था उसमें कैल्शियम प्रेजेंट था, तो इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला जाता है, हमारे प्लाज्मा में चला जाता है। प्लाज्मा से इंटेस्टाइन में नहीं आता, केवल वन वे प्रोसेस है। अब क्या होगा, देखो प्लाज्मा में आने के बाद बोन को चाहिए था तो बोन ने यूज कर लिया, अब क्या होता है कुछ बहुत अमाउंट कहाँ चला जाता है, हमारी किडनी में भी चला जाता है। ठीक है, फिल्टर होके आपकी किडनी में भी आ जाता है। और सेम टाइम पे हमें पता है कि हमारे किडनी का, मैंने पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया है कि किडनी में मेन फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के थ्रू आपका क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस भी होती है। क्योंकि कैल्शियम गलती से फिल्टर होके हमारी किडनी में आया है,
उसे वापस हमें ब्लड में भेजना पड़ेगा, प्लाज्मा में भेजना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो आसानी से अगर कोई चीज, अगर कैल्शियम आपके किडनी में आ गया है गलती से, नेफ्रॉन में आ गया है, तो वो वापस भी कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा वाया प्रोसेस ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। क्लियर है, ठीक है। ये चीज तो हो गया कि कैसे आपका क्या हो रहा है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है इन ऑर्गन्स के थ्रू, कैसे आपका प्लाज्मा में आ रहा है और प्लाज्मा से कैसे इन ऑर्गन्स में जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेसेस मिलके प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करती हैं। ठीक हो गया, ऑर्गन का रोल समझ में आ गया। अब हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी। तो होता क्या है, देखो बेटा, जब भी सपोज आप कहां पे हैं, आपकी कभी भी क्या हो रहा है बॉडी में, सपोज करो कि आपका कैल्शियम का लेवल कम है, कैल्शियम लेवल कम है, प्लाज्मा की बात हो रही है, याद रखना है प्लाज्मा की बात कर रही हूं मैं। अगर कभी भी हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो अब हमारी बॉडी कैसे इसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, देखो आपको पता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एक स्पेसिफिक ग्लैंड है। पहले मैंने ड्रॉ ही कर लेती हूँ, है ना, ये वो ग्लैंड है, इसका नाम क्या है, इसके अंदर इस तरीके से लोब्स प्रेजेंट होंगे दो पेयर। तो ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ना, ये हमारी क्या है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के दो लोब ये बड़े वाले आपको दिख रहे हैं, और इनके अंदर ये आपका इसी के साथ एडजेसेंट हमारे पास देखो चार पेयर में आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, चार पेयर नहीं बोलेंगे दो पेयर है, ठीक है, एक पेयर ये एक पेयर ये, ये जो अंदर आपको लोब्स दिखाई दे रहे हैं ये फोर है इन नंबर, ये क्या है, हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है। तो सबको पता है पैराथायरॉयड ग्लैंड या आपकी थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे नेक पे प्रेजेंट, यहाँ नेक के पास पे प्रेजेंट है, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड के एडजेसेंट ही आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के पेयर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो जब भी हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो एकदम से क्या होता है, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, पैराथायरॉयड, ठीक हो गया। ये जो आपको दिख रहे हैं ना चार आपके लोब्स दिख रहे हैं, ये आपके एक्टिवेट हो गए। जैसे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड अपने अंदर से एक हॉर्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है पीटीएच, पीटीएच पैराथायरॉयड हॉर्मोन, ठीक हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, कब पीटीएच रिलीज करेगी, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा, ठीक है। कम कैल्शियम का लेवल आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड सेंस कर लेती है, एक्टिवेशन हो जाता है बेसिकली इसका, और ये अपने अंदर से क्या करती है, पीटीएच को रिलीज करती है। अब ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ठीक है, एक एक करके हम सबका रोल देखेंगे। पहले पैराथायरॉयड देख रहे हैं, फिर विटामिन डी देखेंगे, फिर कैल्सिटोनिन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, ये क्या क्या करता है, पहले तो इसको हम एक शॉर्ट में ही समझ लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये क्या करता है, आपका ये बोन से जो आपका डीमिनरलाइजेशन हो रहा है ना, यानी कि बोन के अंदर से कैल्शियम जो रिलीज होके प्लाज्मा में आता है, ये इस प्रोसेस को बढ़ा देता है, सबसे पहली बात, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, जब बोन से आपका प्लाज्मा में आ रहा है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन। ये मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी ये प्रोसेस क्या है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी केवल समझ लो, ठीक है। तो ये बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि बोन से कैल्शियम कहां आ रहा है, हमारा कहां आ रहा है, प्लाज्मा में आ रहा है, ठीक हो गया। पहला काम तो इसने ये किया प्लाज्मा के, क्योंकि कैल्शियम कब है ना, पहला काम इसने इस तरीके से किया, बोन से कैल्शियम को कहां निकाल के ले आया, प्लाज्मा में लेके आ गया। नेक्स्ट इसने क्या किया, जो पीटीएच है, इसने नेक्स्ट क्या किया, इसने ये किया कि ये क्या करता है, आपका किडनी में जो विटामिन डी है ना, उसके एक्टिवेशन में ये हेल्प करता है, अभी देखेंगे कैसे करता है। उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो पीटीएच है, ये क्या करता है, आपका किडनी में भी आपका जो ये रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है ना, यानी कि नेफ्रॉन से वापस जो आपका कैल्शियम प्लाज्मा में आ रहा है, ये इसे भी क्या करता है, आपका इस प्रोसेस को भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो अगर नेफ्रॉन में आपका क्या हुआ, कैल्शियम फिल्टर होके चला गया था, तो उसे वापस खींच के कहां ले आएगा, वो
प्लाज्मा में ले आएगा। और ये मेनली कहाँ पे काम करता है पीटीएच, जो है आपके नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में काम करता है, आपके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। ध्यान रखिएगा, जो हमारे नेफ्रॉन में डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये वहां पे काम करता है, और जो वहां पे आपका कैल्शियम है आपका नेफ्रॉन के अंदर, उसे फटाफट से ड्रैग करता हुआ कहां ले आएगा, प्लाज्मा में। तो ये दोनों ही प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, कैल्शियम का लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करता है, ये पीटीएच जो है आपका इंटेस्टाइन से जो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सपोज किसी ने कोई फूड प्रोडक्ट ऐसा लिया था जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट था, तो ये क्या करेगा, पीटीएच इसके एब्जॉर्प्शन को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे विटामिन डी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, अभी मैं वो थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि पीटीएच ने ये वाले फंक्शन को भी क्या किया, एक्टिवेट किया। तो कैल्शियम यहां से इंटेस्टाइन से भी कहां चला गया, प्लाज्मा में। तो ये तीनों ऑर्गन्स पे काम करके ओवरऑल इसने क्या किया, प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश की। अब मैं बार बार आपसे बोल रही थी कि जो ये पीटीएच है ये विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है, तो दोनों का कोरिलेशन हम साथ में लेके चलेंगे। तो पहला हार्मोन समझ में आ गया, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। इसका एक इफेक्ट रह रहा है विटामिन डी एक्टिवेशन, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार आप पहले ही मैंने बोला हुआ है कि विटामिन डी जब विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अगर आपकी डाइट में, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम आप कितना भी खाइए वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो पैराथायरॉइड का ये वाला इफेक्ट है ना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये कौन असिस्ट करता है, विटामिन डी। अब देखें हम पैराथायरॉइड हार्मोन कैसे विटामिन डी को आपका एक्टिवेट करता है। देखो नेक्स्ट हार्मोन हम यहीं पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले विटामिन डी को ही देख लेते हैं। सपोज ये हमारा स्किन है, ठीक है, स्किन है, कैसे होता है विटामिन डी का एक्टिवेशन, मल्टी स्टेप एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तीन ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्टिवेशन में, पहला है स्किन, दूसरा है हमारा लीवर, तीसरा है हमारी किडनी। तो होता क्या है, देखो कैसे एक्टिवेशन होता है, विटामिन डी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 7-dehydrocholesterol, ओके, 7-dehydrocholesterol। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्किन में प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जब भी हमारे स्किन में यूवी लाइट पड़ती है, ठीक है, यूवी लाइट और सनलाइट हम कह सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, सनलाइट की प्रेजेंस में जो 7-dehydrocholesterol है स्किन में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ये स्किन के अंदर ही हो रहा है बेटा कन्वर्जन, ठीक है। मैं बाहर दिखा रही हूं, स्किन के अंदर हो रहा है, क्या बन गया आपका, कोली कैल्सिफेरॉल, ये मैं यहां से हटा दे रही हूं, कोली कैल्सिफेरॉल बन जाता है, ठीक है, कोली कैल्सिफेरॉल बन गया। अब ये जो कोली कैल्सिफेरॉल है ये हमारे कहां चला जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में क्या होता है, देखो स्किन में क्या हुआ, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से क्या बन गया, कोली कैल्सिफेरॉल, और इस कन्वर्जन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, यूवी लाइट की जरूरत पड़ी। अब कोली कैल्सिफेरॉल हमारे लीवर में गया, और लीवर में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो 25-hydroxyvitamin D3। ये कोली कैल्सिफेरॉल कुछ नहीं है, इसको विटामिन डी थ्री आप बोल सकते हैं, ठीक है, विटामिन डी बेसिकली। तो क्या हुआ, कोली कैल्सिफेरॉल जैसे ही हमारे लीवर में गया, इसका क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, एक ओएच ग्रुप इसमें ऐड हो गया 25th पोजीशन में, और क्या बन गया, 25-hydroxyvitamin D3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कैल्सिफेडायोल, क्या बन गया ये, कैल्सिफेडायोल, इसका ही नाम है ये, ठीक है। अब जो ये कैल्सिफेडायोल बना कहा, लीवर में, ये कहां एंट्री करता है, देखो नेक्स्ट स्टेप इसके एक्टिवेशन का, देखो किडनी में एंट्री कर ली इसने, और किडनी में एंट्री करने के बाद ये 25-hydroxy जो विटामिन डी थ्री है ये किस में कन्वर्ट होता है, देखो इसका फिर से हाइड्रोक्सिलेशन होता है विद इन किडनी, हाइड्रोक्सिलेशन, और ये बना देगा 125-1-25-dihydroxyvitamin D3। समझ में आ रहा है, और इसका नाम क्या है,
कैल्सीफेट्रायोल या कैल्सीट्रायोल भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो कैल्सीफेट्रायोल आपका कहाँ बन गया, किडनी में बन गया, और यही क्या है आपकी एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। देख रहे हो विटामिन डी का एक्टिवेशन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप कहाँ हुआ, हमारी स्किन में हुआ, जहां पे हमारा 7-dehydrocholesterol जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, वो किस में कन्वर्ट होता है, कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। कोलीकैल्सिफेरॉल क्या है, आपकी विटामिन डी थ्री ही है, ठीक है, लेकिन अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ है विटामिन डी थ्री का, ठीक है, केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है अभी। नेक्स्ट स्टेप कहाँ हुआ, लीवर में दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ, कौन सी पोजिशन में, 25 पोजिशन में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी थ्री बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिफेडायोल भी बोलते हैं। अभी भी विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हुआ है, समझ रहे हो। अब इसके बाद जो ये बना लीवर में, कहाँ एंट्री लेगा, हमारे किडनी में। किडनी में क्या होगा, आपका थर्ड हाइड्रोक्सिलेशन बेसिकली हो रहा है, या आपको सेकंड ही इसे बोल सकते हो। ये हाइड्रोक्सिलेशन हुआ और क्या बना आपका, फर्स्ट 25 पोजिशन में तो पहले से ही आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप था, अब फर्स्ट पोजिशन में भी आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, और क्या बन गया, 125-dihydroxy विटामिन डी थ्री, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिफेट्रायोल, और कैल्सिफेट्रायोल ही आपकी क्या है, एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। यानी कि जब तक ये कन्वर्जन नहीं होता है, कैल्सिफेट्रायोल नहीं बनता है, तब तक विटामिन डी का होना ना होना एक बराबर, समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि पैराथायरॉयड हार्मोन को डिस्कस करते हुए मैंने आपसे बोला था कि पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिव करने में हेल्प करता है। कैसे करता है देख ले, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ध्यान में रखिएगा कि जो ये किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है ना, किडनी में जो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, जो एक्टिव फॉर्म बनी है, उसके लिए जो एंजाइम, यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है, उसको एक्टिव कौन करता है, आपका पीटीएच ही करता है, ठीक है। पीटीएच की खासियत क्या है कि जो हमारा किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है आपका, ठीक है, जो वन पोजीशन में, जो फर्स्ट पोजीशन में हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, उस एंजाइम को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो अब आप खुद समझ जाइए, जब आपका हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है तभी जाके तो एक्टिव फॉर्म बन रही है, तो पीटीएच कैसे करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को एक्टिव कैसे करता है, समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन का आपको सारा कुछ पता चल गया कि भाई कैसे कैसे करता है। अब आपको यहां से ये भी पता चल गया होगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे कराता है, कैसे कराता है। अब जो ये कैल्सिफेट्रायोल बना, यानी कि विटामिन डी थ्री हमारा एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, अब ये क्या क्या करेगा, देखो ये सेम पीटीएच के ही जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखिए पहला इफेक्ट क्या आएगा, किडनी में ये जो रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, इसे क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। यानी कि वही बात जैसे पीटीएच ने किया था, अगर कोई चीज फिल्टर होके आ गई है नेफ्रॉन में, अगर कैल्शियम फिल्टर होके नेफ्रॉन में आ गया है, तो वापस उसे प्लाज्मा में भेज देगा, लेकिन साइट ऑफ एक्शन क्या रहेगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से रीअब्सॉर्प्शन होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, जबकि पीटीएच जब काम कर रहा था कहां पे काम कर रहा था, वो डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी दोनों ही रीअब्सॉर्प्शन कराते हैं, किसका, कैल्शियम का, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका जो आपका एक्टिव फॉर्म है, यानी कि विटामिन डी थ्री है, ये क्या करता है आपका, ये हमारा कैल्शियम का भी क्या कराएगा, एब्जॉर्प्शन कराएगा। ऑब्वियसली बात है, पीटीएच खुद में थोड़ा कर रहा है ये एब्जॉर्प्शन का काम, पीटीएच किसको कर रहा है आपका, इसलिए पीटीएच मैंने यहां क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको अब समझा चुकी हूं कि पीटीएच ही आपका विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करता है। तो उसी की वजह से आपका ये भी आप यहाँ पे इसका पॉजिटिव रोल दिखा सकते हैं। हालांकि जो मेन इफेक्ट है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, विटामिन डी थ्री, इसीलिए कहते हैं जो आपका आई थिंक बॉनवीटा का है एड या किस चीज का है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें हम क्या बोल, जिसमें बोलते हैं कि आपका विटामिन डी के बिना दूध का कैल्शियम वेस्ट हो जाता है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपकी आपके बॉडी में अगर विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो आपका कैल्शियम आपने लिया है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जैसे आपका पीटीएच बोन रिजॉर्प्शन करा रहा था, यानी कि बोन के अंदर से कैल्शियम, जो कैल्शियम फॉस्फेट थे, उसे वो खींच के प्लाज्मा में ला रहा था, सेम जो हमारा विटामिन डी है वो भी यही काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, चलिए विटामिन डी जो है एक्टिव फॉर्म, हाँ ये भी क्या कर रहा है आपका, बोन रिजॉर्प्शन ही करा रहा है। तो ओवरऑल
अगर आप देखें विटामिन डी के इफेक्ट सेम पैराथायराइड हार्मोन की तरह ही है, ठीक है, लेकिन विटामिन डी का जो एक्टिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैराथायराइड हार्मोन कैसे विटामिन डी को एक्टिवेट करता है ये भी अब आप समझ चुके हैं। तो आपने क्या देखा कि ये दो हार्मोन है, कौन कौन से, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा क्या है आपका विटामिन डी3, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं आपके प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब बात ये आती है कि बढ़ाने वाले का तो हमें पता चल गया, बैलेंस का मतलब बढ़ाना ही तो नहीं होता, ठीक है। अगर कोई हार्मोन ऐसे हैं बॉडी में जो लेवल को बढ़ाते हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो इसके लेवल को कम करता हो, तभी तो एक बैलेंस बनेगा। जो हमारा थर्ड हार्मोन है कैल्सीटोनिन, वो यही करता है, ठीक है, देखें वो कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया है आपके तो मैं इसे हटा रही हूं, ठीक है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि अब कैल्शियम का लेवल अगर ज्यादा है तो उसे कैसे कम किया जाए, है ना। यही तीन ऑर्गन उसके लिए भी आपके रेस्पॉन्सिबल होंगे, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। चलिए इसे हटा देते हैं। प्रोसेसेस यही है अभी भी, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया है। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन थे यहाँ पे, हमारे पास क्या था, किडनी थी, ठीक, ये हमारी किडनी है। हमने बताया था कि अगर प्लाज्मा से, ये हमारा प्लाज्मा पूल था सेंटर में, हमने बोला था कि अगर प्लाज्मा से कोई भी यानी कैल्शियम अगर नेफ्रॉन में आ सकता है फिल्टर होके तो नेफ्रॉन से वापस भी जा सकता है, और इंटेस्टाइन से तो केवल वन वे प्रोसेस होगी। और बोन में भी यही होता है कि आपने आपके ब्लड में जो आपका आपके प्लाज्मा में जो कैल्शियम है आपकी बोन्स उसे यूज, सबसे ज्यादा बोन ही यूज करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बोन से रिजॉर्प्शन भी होते रहता है, कैल्शियम आपका प्लाज्मा में भी आता रहता है ताकि आपका लेवल मेंटेन रहे। अब होता क्या है, देखो अगर कभी कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो कैसे होगा, क्या होगा बॉडी में, तो कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से तो कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट हुई थी, पैराथायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुई थी, पढ़ा था, ठीक है, जब हमने पैराथायराइड हार्मोन की बात की थी। लेकिन अब जब हमारा कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो हमारी कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो पैराथायराइड ग्लैंड के ही एडजेसेंट आपकी प्रेजेंट है। तो थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद थायराइड ग्लैंड के अंदर जो आपकी, देखो थायराइड ग्लैंड के अंदर भी हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। पहली होती है फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, ठीके? जिनके थ्रू आपका T3 और T4 बनता है, जो हमने डिटेल में कर चुके हैं बेटा, थायराइड हार्मोन ग्लैंड सारा ड्रग्स वगैरह सारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो होता है। उसके अलावा पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स भी होती हैं, जिनके जिनसे क्या रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा होगा तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की जो आपकी पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स हैं, ठीक है, सी सेल लिख देती हूँ, पैरा फॉलिकुलर सी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और अपने अंदर से किसको रिलीज करा देंगी, कैल्सिटोनिन को, ठीक है, कैल्सिटोनिन रिलीज हो जाएगा। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको रिलीज ही इसलिए किया गया है कि कैल्शियम का लेवल कम किया जाए, ठीक है। तो कैसे कैसे काम करेगा, तो बहुत सिंपल है, देखो इस प्रोसेस को समझना। यस, पहला काम तो ये क्या करेगा, फटाफट से किडनी में कैसे काम करेगा, जो प्लाज्मा में कैल्शियम है उसका फिल्ट्रेशन फास्ट कर देगा, किडनी के थ्रू उसे एक्सक्रीट करवा देगा, पहला प्रोसेस, ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन नहीं होने देगा। कैल्सिटोनिन जब भी काम करेगा तो ये क्या करेगा, अगर कैल्शियम फिल्टर होके किडनी में जा रहा है तो उसे फिल्टर्ड अमाउंट में उसे यूरिन में एक्सक्रीट करवा देगा, पहला काम किडनी में करेगा। जो दूसरा ये क्या करेगा, जो अगर प्लाज्मा में कैल्शियम है, ठीक है, तो उसे क्या कर देगा, वापस बोन में भेज देगा, यानी कि इस प्रोसेस को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, कैल्शियम के यूटिलाइजेशन को, ये वो दोनों क्या कर रहे थे, बोन रिजॉर्प्शन करवा रहे थे, ये क्या करेगा आपका यूटिलाइजेशन करवाएगा, यानी कि प्लाज्मा में जो कैल्शियम है उसे किस में भेज देगा, आपकी बोन में, यानी कि ये क्या करेगा, बोन मिनरलाइजेशन करवा रहा है, ठीक हो गया। और जो थर्ड स्टेप है वो मेनली ये क्या करता है आपका, जो ये इंटेस्टाइन से जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम का,
इसे ये क्या कर देता है, रोकता है, ठीक है, कैल्सिटोनिन। तो समझना इतना मुश्किल तो नहीं था, बहुत इजी है ना, तीनों ऑर्गन्स पता है आपको, तो आपको ये रोल समझ में आना चाहिए किस तरीके से कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये है आपका कैल्सिटोनिन का रोल, कि कैल्सिटोनिन किस तरीके से हमारे प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को कम कराने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इससे ज्यादा जो इतना, और ध्यान रखिएगा कि कैल्सिटोनिन का इफेक्ट इतना ज्यादा बॉडी में होता नहीं है। अगर कैल्शियम बैलेंस की मैं बात करूं तो मेजर जो रोल आपका, जो आपका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन या विटामिन D3 का होता है। कैल्शियम का रोल इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट क्योंकि हम कैल्शियम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो ये बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैल्शियम के लेवल को कम कैसे किया जा सकता है प्लाज्मा में, तो वो कैल्सिटोनिन करता है और इस तरीके से करता है। अब बात ये आती है, सारा हम डिस्कस कर चुके, तीनों हार्मोन्स के हम रोल को देख चुके, यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि जो तीसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन है ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब बात ये आती है, तीनों के रोल तो हमें समझ में आ गए, अब बात आती है बोन्स के लेवल पे, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। किडनी, किडनी में रीअब्सॉर्प्शन सारा कुछ हमने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे उसे बताने की जरूरत है डिटेल में। अगर आपको समझना है कि रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है, कैसे होता है, तो आपके पास लेक्चर हैं अवेलेबल यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है, जिसमें टिबुलर रीअब्सॉर्प्शन सिक्रीशन हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, ठीक। इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन, सिंपल एब्जॉर्प्शन है, जिस तरीके से आपके कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ड्रग, कोई भी फूड प्रोडक्ट आपका एब्जॉर्ब होता है, वैसे ही ये भी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो बोन लेवल पे ये हो रहा है ना, कि बोन रिजॉर्प्शन और बोन मिनरलाइजेशन, ये डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, प्लाज्मा से कैल्शियम को लेके बोन के पास भेज रहा है, बोन मिनरलाइजेशन करा रहा है, जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन D3 क्या कर रहे हैं, आपके बोन से कहाँ लेके आ रहे हैं, कैल्शियम में लेके आ रहे हैं। तो इसको समझना भी तो पड़ेगा कि ये कैसे ये प्रोसेस आपकी हो रही है। इसको बोलते हैं हम बोन रिमॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग में आपके क्या होते हैं, दो एक्टिविटीज होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और दोनों ही एक्टिविटीज के आपस में समन्वय से, या फिर आपके आप बोल सकते हो एक कोऑर्डिनेटेड आपके रिलेशन की वजह से ही आपका क्या होता है, ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। बोन में कैल्शियम का जाना और कैल्शियम रिलीज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम मेजरली फोकस करेंगे बोन रिमॉडलिंग में, और हम ये देखेंगे कि ये तीनों हार्मोन अगर ऐसा कर रहे थे तो वो किस वजह से कर पा रहे थे, आपके बोन लेवल पे कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।